अमेरिका में जैसे जैसे राष्ट्रपति चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे बयानबाजी का दौर भी तेज होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस पर एक बार फिर हमला बोला। कमला हैरिस का घेराव करते हुए ट्रंप ने कहा कि लोग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते और अगर वो राष्ट्रपति बनती हैं तो ये अमेरिका का अपमान होगा। उन्होंने कहा कि कमला हैरिस कभी राष्ट्रपति नहीं बनेंगी। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये याद रखना बेहद आसान है कि अगर बाइडेन जीतते हैं तो चीन जीतेगा। एक रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने चीन को भी अपने निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि इन दिनों हमारे आसपास ऐसे हालात बन गए हैं जहां हम दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहे थे, लेकिन एक चीनी प्लेग की वजह से हमें इसे बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन अब हमने अर्थव्यवस्था को फिर से खोल दिया है। ट्रंप ने कहा कि हमने चीन के साथ बड़ा समझौता किया था, लेकिन इसकी स्याही सूख भी नहीं पाई थी कि कोरोना वायरस आ गया। यही वजह रही कि उन्होंने व्यापार समझौते को अलग तरीके से देखा। आपको बता दें, सोमवार को भी ट्रंप ने अपने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कमला हैरिस पर हमला बोला था। उन्होंने कमला हैरिस पर निशाना साधते हुए कहा था कि दोनों को लापरवाही से वैक्सीन के विरोध में दिए गए बयानों पर माफी मांगनी चाहिए। व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से ट्रंप ने कहा कि आप सब जानते हैं कि बाइडेन बेवकूफ़ व्यक्ति हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया में किसी भी प्रमुख देश की तुलना में कम मृत्यु दर है। हम हर मामले में वैश्विक लीडर हैं। मेरे नेतृत्व में हम रिकॉर्ड समय में एक वैक्सीन का उत्पादन करेंगे। बाइडेन और उनके बेहद उदार दोस्त इस अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देंगे। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन कुछ भी कहेंगे, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। उनकी ये बातें विज्ञान को कमज़ोर करती हैं। दरअसल ट्रंप का ये बयान कमला हैरिस के उस बयान पर आया जिसमें उन्होंने वैक्सीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वैक्सीन को लेकर जानकारी के लिए एक विश्वसनीय सोर्स होना चाहिए जिस पर भरोसा किया जा सके। बहरहाल, इस जुबानी जंग में अब आगे कमला हैरिस ट्रंप को किस अंदाज में प्रतिक्रिया देती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।